राधे राधे फैमिली, कैसे हो आप सभी लोग। आज मैं बहुत दिनों के बाद ब्लॉग बना रही हूँ और मन नहीं करता, तबीयत थोड़ी सी सही नहीं रहती है तो इस वजह से कुछ भी करने का मन नहीं करता, अच्छा ही नहीं लगता कुछ भी करने के लिए। लेकिन मजबूरी होती है कि काम करना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है, घर के हर काम, बेसिक काम भी करने पड़ते हैं, ज़रूरी इम्पोर्टेंट सारे तरह के काम करने पड़ते हैं। तो आज मैंने बहुत दिनों बाद फिर से ब्लॉग बनाने का सोचा कि चलिए बातें करते हैं। तो आज सुबह से इतनी बारिश हो रही है और बारिश होने के साथ साथ मौसम भी काफ़ी अच्छा हो रखा है, ठंडा हो रखा है। लेकिन घर के जो ज़रूरी काम होते हैं, जैसे कि कपड़े वॉश करना, कपड़े आप कितने भी वॉशिंग मशीन में आप सफ़ा कर लो लेकिन वो सूखते तो नहीं है ठीक पूरी तरह से, उनको अच्छे से सुखाना पड़ता है, उसके लिए धूप लगना ज़रूरी होती है, अदरवाइज़ स्मेल आने लगती है। तो इस बार ऐसा फील हो रहा है कि जो बारिश है ना, दीपावली करके जाएगी, बहुत बारिश हो रही है। और बारिश इस बार साल जो है बारिश काफ़ी अच्छी हुई है, बहुत अच्छी हुई, मुझे बारिश बहुत पसंद है। और अभी भी इस समय बहुत ज़्यादा मौसम बना हुआ है बारिश होने के लिए और आज मैंने काफ़ी देर बारिश को इन्जॉय किया, मैंने और मेरी छुटकी ने। और उसके बाद अब हम लोग बैठ चुके हैं फ्री होके और अब प्लानिंग चल रही है कि आज बनेगा क्या। जब बारिश का मौसम होता है तो सिंपल खाना, दाल चावल तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, पूड़ी पराठे या पकौड़ी या बाहर का खाना ही अच्छा लगता है। और बाहर के खाने से याद आई कि कल हमारे सीआईड नंबर 1 की दुबई नगर में एक मामा भांजे करके वेस्ट कॉर्नर था और रेस्टोरेंट बोल सकते हैं, तो वहाँ पर भी बजरंग दल वालों ने अटैक किया। अटैक्स मीन जाके वहाँ पे अचानक से उन लोगों ने जांच की, बहुत सारी चीज़ों में उन लोगों को अच्छी चीज़ें नहीं मिली और ऐसा उन लोगों को फील हुआ कि वहाँ पे जो वेज कबाब मिलते थे और क्या बोलते कबाब मिलते थे, पराठे मिलते थे, वेज रोल मिलते थे, तो उन सब में मिलावट की सूचना मिली उन लोगों को। और किसी ने उन लोगों को कंप्लेन की कि इसमें वेज कबाब की जगह नॉन वेज परोसा जा रहा है। और स्पेशल बात, मेरे बच्चे बाहर का बहुत खाते थे, मोमोज, रोल, कबाब पराठा, जब भी मैं बोलूँ बाबू क्या खाओगी, कबाब पराठा। अब कल से मेरी बेटियाँ नाम सुन सुन के नहीं माँ नहीं खाना कि नहीं माँ मुझे नहीं खाना, मैं घर का ही खाऊंगी। तो जो मामा भांजे करके वेज कॉर्नर था उसको बंद कर दिया गया है और वहाँ पर कहते हैं नॉन वेज परोसा जा रहा था कबाब के अंदर, जो लोग वेजिटेरियन हैं, प्योर वेजिटेरियन हैं, तो वो लोगों को उन खिलाया जा रहा था, तो इस वजह से वहाँ बंद हो गया कर दिया गया है और उसकी जांच होने के लिए लैब में भेजा गया है। अब देखते हैं क्या होता है। कुछ लोग कह रहे हैं ये सिर्फ अफवाह है और कुछ लोग कह रहे हैं नहीं ये सच है, क्योंकि आजकल मिलावट की खबरें बहुत ज़्यादा आ रही हैं। तो स्पेशली मैं कहना चाहूँगी कि आप लोग खुद भी घर का बना हुआ शुद्ध खाना खाएँ और अपने बच्चों को भी खिलाएं और जितना भी हो सके घर का बना हुआ चीज़ें ही खाएं और बच्चों को भी खिलाएं। बच्चे जो हैं हमारे, आजकल बच्चे बाहर की चीज़ें ज़्यादा खाने लगे, बट अब मेरी बेटियां बाहर का कुछ भी नहीं खा रही हैं और यहाँ तक कि चिप्स जो मैं खुद खाती थी तो चिप्स में जो लेस चिप्स आता है उसमें भी फिश ऑयल मिला है, मैंने उसको खुद देखा, उसमें FCI करके लिखा हुआ है, तो जो छोटा सा लिखा हुआ होता है तो जो मिलावटी चीज़ें होती है वो इतनी छोटी सी लिख दी जाती है ना कि आपका उन पर ध्यान ही नहीं जाएगा। तो इस समय मैं भी चिप्स नहीं खा रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत पसंद था, तो जो मेरी बेटियाँ नहीं खा रही, अब आज उनको कबाब पराठा जैसे खाने बोले बाबू खाओगी, नहीं मम्मा नहीं खाना मैं घर का ही बना खाऊँगी, तो मेरे बच्चे बाहर की चीज़ें के नाम सुन के ही कहते नहीं छी ऐसे बोलने लगते हैं। तो आप लोगों से भी कहना चाहूँगी जितना भी हो सके ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चों को घर की बनी चीज़ें खिलाएं, माइक्रोनी, मैगी, पास्ता, कुछ भी नहीं, क्योंकि इन सब में भी स्वाद डालने के लिए वेज चर्बी मिलाई, नॉन वेज चर्बी मिलाई जाती है, जो लोग जानते होंगे कि इसमें माइक्रोनी, नूडल्स, मैगी, पास्ता, इन सब में स्वाद ऐड करने के लिए, स्वाद इसको करने के लिए, इसमें स्वादिष्ट बनाने के लिए इसमें शुगर की चर्बी मिलाई जाती है, ऐसा मैंने बहुत बार पढ़ा है, बहुत बार सुना है। लेकिन जो प्योर वेजिटेरियन लोग भी होते हैं ना, वो भी बड़े चाव से नूडल्स खाते हैं और मैगी खाते हैं, तो मेरे घर में पूरी तरह से मैगी वगैरह मैंने बैन कर रखा है, कुछ भी नहीं। मैंने बच्चों को बोला बच्चों
जो आँख के सामने पका हुआ हो, जैसे कि समोसे हैं, खस्ते हैं, जो हम लोगों का पुराना कल्चर था, जो हम लोग पुराने टाइम में यही चाट बतासे और समोसे खस्ते खाकर ही बड़े हुए, खाना भी घर का खाते थे, और जब शाम के टाइम स्नैक खाने का मन करता था कि स्नैक्स बाहर तो कुछ खाना है, तो हम लोग लइया फ्राई करके खाते थे, चूरा फ्राई करके खाते थे, तो लगता है वही टाइम लौट आया है। फ़िलहाल मेरे घर में तो लौट आया है, क्योंकि मेरे बच्चे बाहर का खाना बिल्कुल नहीं खा रहे और मुझे परेशान नहीं करते, नहीं तो शाम होती मेरी बेटी छोटी वाली पैसे मांगना शुरू करती, मम्मा पैसे दो, मम्मा पैसे दो, कुछ खाना है। अब वो नहीं खा रही है, तो मैं इस बात से बहुत बहुत खुश हूँ। और मेरा तो आप लोग अगर कहना माने तो आप लोग भी ऐसे कीजिएगा, और आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा, और मिलते हैं कल अपने एक नए ब्लॉग के साथ। बाय बाय।